हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और भाई आज हम लोग जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, और हम सब लोग बहुत सारे लोग हैं। आवाज़ कम करो थोड़ी सी, ठीक है। और ये मेरे थोड़े दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग आगे हैं, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। तो गाइस पहुँच गए हैं गुरना माता। हम लोग यहाँ पे गुरना जी का मंदिर है, गुरना माता का मंदिर है। पिथौरागढ़ से आने में लगभग हमको एक घंटा लगा है, यहाँ एक घंटा लगने में पहुँचने में लगा है। तो अब यहाँ से आए को चलते हैं। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं व्यू पॉइंट में। ये वाला व्यू पॉइंट है, यहाँ से बढ़िया व्यू जाता है और सनराइज़ भी हो रहा है, बहुत अच्छा सनराइज़ हो रहा है। और ये देखो नीचे रोड, देखो रोड बहुत अच्छी है यार। ये टनकपुर वाली रोड है, खटीमा वाली रोड है, और रोड बढ़िया हो रही है। और अब आगे को चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुके हैं, अब आगे को चलते हैं रेस्ट के लिए। तो गाइस यहाँ से एक बार मैं व्यू दिखाता हूँ आपको कैसा है। देखो ये व्यू पॉइंट है, और ये देखो बहुत नीचे है, बहुत ऊपर है, मतलब हम बहुत ऊपर हैं और नदी बहुत नीचे है। और सनराइज़ भी हो रहा है बढ़िया, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सनराइज़ हमेशा ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वोटो भी खींच रहे हैं। तो गाइस बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग घाट के पुल में पहुँच गए हैं, और यहाँ से लोग जो है सिक्के फेंकते हैं नीचे। और वो देखो नदी में बहुत सारे सिक्के दिख रहे होंगे, मेरे को तो यहाँ से दिख ही रहे हैं, सिक्के ही सिक्के हैं। एक मिनट में जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये जो छोटे छोटे चमक रहे हैं ना, ये सिक्के ही हैं। यहाँ पर से सिक्का फेंक के कुछ मन्नत मांगो तो पूरी होती है, इस टाइप की बिलीव है लोगों का। और कितना सच है कितना झूठ है इतना मैं कह तो नहीं सकता, मगर अब लोग बिलीव करते हैं तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये रहा बढ़िया सा घाट, घाट का पुल। तो गाइस हमारे पास भी 2 रुपये का सिक्का है, इसको एक बार नीचे फेंकते हैं हम और यहाँ से देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है, ओके। और ये और ये पहुँच गया, अभी की पहुँचा, अब हमारी भी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं ये भीमताल वाले रास्ते में, इस तरफ से ये क्या कहते हैं पाताल भुवनेश्वर का रास्ता। और ये देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी नदी है यार, ये बिल्कुल शांत पानी है और बहुत गहरा पानी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए गंगोली हाट, और यहाँ पे हमको 4th कुमाऊँ रेजिमेंट का गेट मिल गया है, ये रहा हो। और इसी गेट से अंदर को 4th कुमाऊँ रेजिमेंट होगी। तो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा कुछ सुबह हो, कितने बज गए हैं, 10 बज गए हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। यहाँ से 14 किलोमीटर आगे है पाताल भुवनेश्वर। और बहुत देर तक गाड़ी चलाने के बाद पहुँच गए हम, ये वाला है वो गेट आखिरकार। और यहाँ पे थोड़ा सा अपना हेलमेट वेलमेट रख देते हैं साइड में, क्योंकि वहाँ ले जाने में बहुत दिक्कत होगी ना, हाँ इसलिए। तो इसको यहीं पे रख लेते हैं, और यहाँ पे सामान वामान है थोड़ा सा, यहाँ से लेके फिर चलते हैं अंदर की तरफ को, यहाँ से अंदर। तो बस पहुँच ही गए हैं, और ये समीर द्वार है, यहाँ पे भी सब है बढ़िया। तो गाइस हमने भी ये ले लिया है, और इसका जो प्राइस था करेक्ट 51 रुपये का था, धार्मिक वाली उन्होंने रखा हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे एक गुफा भी है शायद, और यहाँ से हम नीचे को जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और है, तो अंदर क्या चीज़ है वो देखते हैं, फिर उसके बाद गुफा की तरफ को जाएंगे अंदर की तरफ को। तो गाइस ये हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, शिव जी का। मेन मंदिर के अंदर को जा रहे हैं हम, यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है।
ये रहो पानी, बेटा सब लोग हाथ लगा लेना है। केदारनाथ में कैसा शिवलिंग है, वही वही शिवलिंग है इसमें। एक रात में बने हुए मंदिर है, देखो ये पूरे अखंड स्तंभ है, पत्थर अखंड पत्थर है, सारे पत्थर अखंड है एकदम, दूसरा पत्थर नहीं है उसमें। नहीं नहीं नहीं। दो मिनट लगता है थोड़ा, उसको 2 मिनट देखो, धीरे धीरे वो पानी पी जाएंगे धीरे धीरे। है सुबह सुबह शक्ति जाती हो, बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ। ये ले बेटा, ठीक है चलो दक्षिणा दे दो, ये प्रसाद वहाँ गुफा में चढ़ा देना, ठीक है। ठीक 11th century। तो दोस्तों जैसे ये मंदिर आप देख रहे हो, तो अभी हमको पता चला अभी अंदर पंडित जी ने बताया कि ये जो मंदिर है पूरा का पूरा एक ही पत्थर से बना है, और अंदर एक छोटा सा शिवलिंग भी था, और उस शिवलिंग में हमने 3-4 जग जो है पानी डाला, और फिर भी वो पूरा का पूरा गायब हो गया। तो मतलब ये लीला है भगवान की, और कहते हैं कि पीते हैं यहाँ पर भगवान। और यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स भी हैं, लेट मी शो यू। तो ये देखो आर्टिफैक्ट्स हैं ये, और ये 11th century के आर्टिफैक्ट्स हैं, ऐसा इन्होंने बताया हमको आर्टिफैक्ट्स। और ये राजा महाराजा इन सब के आर्टिफैक्ट्स हैं, और भगवान के आर्टिफैक्ट्स हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर है। अब यहाँ से और देखते हैं आगे को, ये चंडिका माता का मंदिर। चंडिका माता का मंदिर हम भी आशीर्वाद लेने जाते हैं गाइस, चंडिका माता का आशीर्वाद लेंगे। तो गाइज़ वहाँ पे हम लोग चंडिका माता और शिव जी का जो शिवलिंग वाला मंदिर था और आर्टिफैक्ट्स थे कुछ, उन सबको देख कर आ चुके हैं। अब यहाँ से आए को जाते हैं यहाँ आगे को, और ऐसा यहाँ पे कह रहे थे कि गुफा है, तो अंदर गुफा की तरफ को जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा है। और ये हमारे मित्र लोग भी आए हुए हैं, सबके हाथ में ये अगरबत्ती और ये चुनरी उनरी जो भी होती है वो सारी चीज़ें हैं। तो अंदर को देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, कुछ मंदिर के बारे में कुछ लिखा है, और टूरिज्म का केंद्र टाइप का भी है। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ जगह जगह में, वाह। और अंगूठियाँ, एक ही अंगूठी ले लिया गाइस, 20 रुपये की अंगूठी, बढ़िया है। यहाँ पे वाली बाघ वाली अंगूठियाँ भी हैं जो बाज़ार में 100-150 की मिलती हैं, यहाँ पे वो 40 रुपये की है वाली अंगूठी। और बहुत अच्छे अच्छे लॉकेट भी हैं, और अभी उतना अच्छे से हमने देखा नहीं, बस एक अंगूठी ली है। तो अब आगे क्योंकि गुफा की तरफ पहले जाते हैं, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे, तो गुफा की तरफ चलते हैं, ये रास्ता है। तो गाइस ये गेट में पहुँच गए हैं लास्ट टर्म, मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर, घंटी बजाएंगे, वाह। और यहाँ पे बहुत सारी चुन्नी है सबने, यहाँ पे चुन्नी लगाई होंगी सबने, बड़ी अच्छी चुन्नी है ये देखो। यहाँ पे जूते चप्पल खोलने हैं, और
यहाँ पे शायद एंट्री होगी, तो देखते हैं कितनी होती है एंट्री फीस गुफा में जाने के लिए। यहाँ पे अपने जूते उते उतार के, और अभी यहाँ पे है एंट्री रिसेप्शन रूम जो लिखा है यहाँ पे, और क्या है ये, और यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है गुफा की, गुफा की टाइमिंग लिखी हुई है कि कब खुलेगी कब बंद होगी। और शायद ये है गुफा जो चेन लगी हुई है अंदर, चलो देखते हैं अभी क्या होता है अंदर। तो भाई अभी यहाँ से जो पूरा देख लीजिए अंदर को गुफा, तो एक बार अंदर जाते हैं फिर उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे, फिर बात करते हैं आपसे कि क्या। तो दोस्तों यही है वो गुफा जिसके बारे में हम आप बात कर रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये 90 फीट गहरी है और 150 फीट लगभग चौड़ी है अंदर में आजकल में ही, ठीक है। तो ज़रा इससे हम अंदर को जाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है सबसे पहले। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, पैर फिसलने वे हैं, यहाँ पे पानी है क्योंकि बहुत, और यहाँ पे जंजीरें दी हुई हैं पकड़ने के लिए, तो इन जंजीरों के सहारे ही हम नीचे की तरफ को जाते हैं। वाह क्या आकृतियाँ हैं, अद्भुत, इनको देख के बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो सांस वाले, जिनको दिक्कत है सांस वाले लोग, उनके लिए बहुत मुश्किल है नीचे जाना क्योंकि बहुत संकरा सा रास्ता है, तो यहाँ घुटन सी महसूस होगी आपको। और ये हम धीरे धीरे जा रहे हैं संभल संभल कर, और इसके अंदर जो है आकृतियाँ हैं ये सारी की सारी प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, ठीक है ना। पानी की वजह से बनी भले ही हों ये, मगर जितने भी चीज़ें हैं ये सब असली हैं, और जो हमारी पौराणिक कथाएँ हैं उन कथाओं के उल्लेख से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, मेल खाती हैं जो ये आकृतियाँ हैं। तो मैं वही दिखाऊँगा अभी आपको, तो पहले हम चलते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ को, बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। बहुत मुश्किल है, और ये गुफा जो है ये शिव जी की गुफा कहते हैं। तो ये हम सबसे पहले गुफा के आकृति में पहुंच गए हैं, और ये जो है ये शेषनाग का फन है ऐसा कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस फन के ऊपर सारी पृथ्वी का भार है, मतलब पूरी पृथ्वी को शेषनाग जी ने अपने फन से रोक के रखा है, और ये हल्का सा भी हिलते हैं तो भूकंप जैसी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। और हम अभी इनके अंदर चले गए हैं, और जो ये बड़ी बड़ी आकृतियां आपको दिखी हैं गोल, और ये उनके जो है विष जहर जहाँ रखते हैं ये वो चीज़ है ऐसा कहते हैं। अब ये जिसमें हम चल रहे हैं इसको शेषनाग जी की रीढ़ कहा जाता है, इस पर हम चल रहे हैं, और ये जो आकृति आपको दिख रही है ना ये गणेश जी के हैं, जब शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया था और धड़ रह गया था, तो ये ऊपर उनको जिंदा रखने के लिए ब्रह्म कमल से लगातार अमृत इन पर फेंका गया तब जब तक कि हाथी का सर इन पर ना लगे। तो ये अभी भी आकृति रखी हुई है, तो ये गणेश जी का धड़ है और ऊपर ब्रह्म कमल से जो है अमृत उन पर गिर रहा है, तो ये मान्यता है इनकी। ये भी बहुत अद्भुत आकृति है, यहाँ से भी पानी का अभिषेक सीधा नीचे मूर्तियों में होता है, यहाँ से बूंदें बूंदें पानी की जो है नीचे गिरती हैं, और नीचे गिर के सीधा यहाँ पर इस शिवलिंग में आके गिर जाती हैं वो। और ये देखिए शिवलिंग, ये शिव जी का प्रतीक है, बहुत धार्मिक है ये। वाह जय हो। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं हम, अभिषेक हो रहा है इसमें और ये हमेशा होते ही रहता है, और इन्हीं के साथ यहाँ पे देखिए ये 5 देव यहाँ पे हैं, विष्णु गरुड़ कुबेर लक्ष्मी और यम, ये पांचों के पांचों जो हैं ये इन्हीं के यहाँ पे सही साथ में हैं, और इन पे भी अभिषेक हो रहा है। और ये जो है ये है बद्रीनाथ धाम है, ये बद्रीनाथ धाम है बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ पे उसकी आकृति भी बनी हुई है, तो कितना बढ़िया है ये।
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा कहते हैं कि जो शिव जी है उनकी जटाएं हैं और गंगा से पानी है, और ये 33 कोटि देवी देवता हैं। ये सारे जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, और ये ऊपर शिव जी की जटाओं से गंगा जी जो है वो निकल रही है, नीचे को गिर रही है ना। और यहाँ पे एक कुंड भी है, ठीक है, ये 33 कोटि देवी देवता हैं। और ये कुंड है, ये बहुत समय पहले किसी महाराजा ने बनाया था, और ये उनकी आकृति भी अभी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है देखने का। ये कुछ मेन जो है मेन शिवलिंगों में से एक है, और ये अभिषेक इसमें होते रहते हैं हमेशा, और ये बहुत शक्तिशाली था, तो इसलिए इसको मंत्र करके ऋषियों ने जो है इसके ऊपर परत चढ़ा दी है, 7 पत्थरों की परत, उसके बाद एक पीतल जो है उसकी परत है, तो ये बहुत अच्छा है देखने में, है ना। तो ये है इसका जो खेल है। और ये पत्थर जो है ये मेन है, ये कलयुग का पत्थर है, कलयुग का पत्थर। तो ऐसा मान्यता है कि ये कलयुग का पत्थर और ऊपर एक और पत्थर है, ये दोनों पत्थर जब मिलेंगे तो तब जो है कलयुग का अंत हो जाएगा। और ये आगे भी यहाँ से फिर द्वार हैं, और ये वाला जो द्वार है ऐसा कहा जाता है कि ये द्वार सीधा काशी में खुलता है, अभी तो खैर बंद हो चुका है। और ये जो स्वान है ये मुंह उस तरफ को करके खड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक कहानी है। और ये जो है ये शिव जी का कुंड है, इस पे आप अगर कोई मन्नत मांगो सच्चे मन से तो ऐसा कहते हैं कि वो ज़रूर पूरी होती है, शिव जी का कुंड है। और ये आगे को अगर हम जाएं तो चलते चलते हमको दिख जाते हैं, ये हैं हाथी हैं, ये जो एरावत हाथी है ना ये वो है। और इस हाथी के आप ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये पूरी आकृति बनी हुई है, बहुत बढ़िया सा आकृति है इसकी, तो आकृति है ये। और कहा जाता है उसके 1000 पैर थे, तो ये देखो ये जो है ये एरावत हाथी के बहुत सारे पैर हैं, और ज़मीन में नहीं है, ये सारे पैर हवा में हैं, तो देखने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, मगर ये सब सच्चा है। और जितनी भी ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन सब का उल्लेख है इस चीज़ का। और यहाँ से जो ये जो दिख रहा है आपको, ये गुफा है, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि इसी गुफा से बहुत सी जगहें निकलती हैं, बहुत सारी जगहों में गुफा निकलती है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, तो यहाँ सब निकलती हैं, तो बहुत अद्भुत जगह है। अब बाहर चलते हैं। तो पूरा अंदर जाके आए हम, मैं आपको बता देता हूँ मेन मेन चीज़ें क्या हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे सारे युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, धर्मलोक, पाताल लोक, धर्मलोक, स्वर्गलोक, जितना आप जानते हो ना भगवानों के बारे में, हर एक चीज़ है नीचे, मतलब। और गणेश जी और जितनी भी कहानियाँ महाभारत रामायण में सुनते हैं ना हम, समुद्र मंथन से लेकर हर एक चीज़, क्या कहते हैं, ऐरावत हाथी और पांडवों का जो स्वर्ग जाने का है, सब कुछ है अंदर, मतलब का रास्ता, लेकिन सब रास्ते हर एक चीज़ का, मतलब वो है पत्थर हैं, और उन पत्थरों में उन हर एक चीज़ का वो बना हुआ है, मतलब उसी आकार के वो पत्थर उसी आकार में ढले हुए हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यूनिवर्स हर एक चीज़ के बारे में बताया है, शेष नाग, जितनी भी चीज़ें आपने सुनी है, तो आना चाहो तो आप देखो, ठीक है, पाताल लोक में आना चाहो तो। अभी हाँ, पाताल लोक में। और अभी हम और बताते हैं आपको, मैं जूते पहनता हूँ पहले, दो ही मोबाइल हैं यहाँ। इसके नीचे लोगों ने अपने बाल चढ़ाए हुए हैं, और यहाँ भी शिवलिंग है। तो दर्शन तो हो गए, गुफा भी हम जाकर आ गए, और एक आदमी का लगभग 40 रुपये यहाँ पे टिकट है अंदर जाने का। और वो 40 रुपये भी इसलिए है क्योंकि भाई बहुत मेहनत करी है, अंदर लाइट लगाई है, और जो चेनें होती हैं वो लगाई हैं, और बहुत अच्छी से रखा हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है, और एक आपके साथ एक गाइड भी देते हैं ये, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को तो जाके, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ का तो सब कुछ सही हो गया है, ठीक है, और ये सब लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत लोग, ठीक है ना। अब ऊपर को जाते हैं और देखते हैं ऊपर को क्या सीन होता है। आप सदमे में क्यों हो गए, क्या हो गया इसको, अपने पाप याद आ गए इनको, इसको अपने पाप, मगर अभी आगे धुल गए हैं। और मैंने अपनी जो ये इंसान के पाप नहीं धुले, मेरी जो ये माला है इसकी भी मैंने पूजा करवा ली है, और बढ़िया हो गया है। आप ऊपर की तरफ को चलते हैं, ठीक है, और ऊपर से देखते हैं कहाँ कैसा है थोड़ा बहुत। जो ये जो साइट हम लोग अभी अंदर गुफा में गए थे, ये ASI से भी इन्होंने अप्रूव किया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
ये इंडिया की जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारी हिस्टोरिक साइट्स होती हैं उनका सर्वे करके बताते हैं कि वो असली है कि नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रोहिबिटेड एरिया भी मतलब वो सब लिखा हुआ है, उनका बोर्ड लगा हुआ है, तो मतलब ये कोई भी झूठ नहीं है, ये सब सही है, अच्छी बात है। और अच्छा लगा यहाँ आके भी। थोड़ा ऊपर को जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और लेने के लिए। ये मेजर समीर कटवाल है, 21 कुनाओं के बहुत हमारे बहादुर सैनिक थे, उन्हीं का पुतला बना हुआ है यहाँ पे। भाई लोग हम लोग आ गए गंगोली आर्ट के बाजार में। ओके, ये देख लो गंगोली आर्ट की बाजार है ये। और हेलमेट के वजह से बाल खराब हो गए, इसलिए डोंट माइंड। तो अब यहाँ पे कहीं पे जाते हैं और कुछ खाने का होता सोचते हैं, अभी खाने के बाद फिर चलते हैं पिथौरागढ़ के। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, ठीक है। और जो ये गाड़ी है, मैंने गाड़ी को रख दिया है मैंने बढ़िया करके यहाँ पे। और सुबह 5 बजे लगभग, 5:30 बजे निकले थे और अभी शाम के 5 लगभग बज रहे हैं। और 3-4 घंटे का लगभग रास्ता था और टाइमिंग बड़ी देखो इतनी बढ़िया हमारी टाइमिंग रही। जैसे ही हम पहुँचे, तो मैं जैसे ही पहुँचा, जैसे ही मैंने गाड़ी को लगाया, करेक्ट बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज़ आई बारिश। मगर अब तो हम घर पहुँच गए हैं। बढ़िया मज़ा आया आज के ट्रिप में। तो अगर आप भी कभी जाना चाहो पाताल घूमने सर, तो ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जाके। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नई वीडियो में आपसे। ओके, बाय बाय।